लेकिन मेरी आंखों में ग्लूकोमा हो गया, एक आंख से दिखना भी बंद हो गया है और दूसरी से भी धुंधला दिखता है, इसलिए मैंने आरोग्य होने कर। बोले आपको भगवान ही ठीक कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कह तो अच्छी बात, तुमको अद्भुत सद्बुद्धि तो आई, कह तो कम से कम कि भगवान की याद तो आई इसी बार। खुश है। मैं सतवीर जी रोहतक से, 7 हवन मेरे, मैंने 9 हवन और आरोग्य हवन भी कर लिया जी, लेकिन मेरी आंखों में ग्लूकोमा हो गया, एक आंख से दिखना भी बंद हो गया और दूसरी से भी धुंधला दिखता है, इसलिए मैंने आरोग्य हवन कर लिया है जी। अब गुरु जी मुझे दोनों आँखें दीजिए। आप परेशान मत हो, आप परेशान नहीं हो, बहुत सारे रोग कष्ट थे जो आपके चले गए, ये तो एक असाध्य रोग था, और भी कई असाध्य रोग आपके परिवार में सब थे, है ना। अब ये जो आँखों की रोशनी आपकी गिरती जा रही थी, आज के बाद से नीचे नहीं जाएगी, अब जो होगा इसमें ठीक ही होना है, नीचे नहीं गिरेगी, अब जो गिरती गिरते जाके अंधेपन पर ले जाती है आपको, और ये अंधा करके ही छोड़ती, क्योंकि असाध्य रोग है ये, है ना, ये दुनिया का असाध्य रोग है आँखों का, इसका कोई इलाज आज तक बना नहीं, और डॉक्टर इतने बदमाश हैं कि ग्लूकोमा के इलाज के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, काला मोतिया है ये, इसका कोई इलाज संसार में नहीं। मना कर दिया था जी डॉक्टर ने, तो बोला ठीक नहीं होगे। हाँ ठीक नहीं होगे, लेकिन आप चले जाओगे, इलाज फिर भी कर डालेंगे। बोले आपको भगवान ही ठीक कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कह तो अच्छी बात, तुमको अद्भुत सद्बुद्धि तो आई, कह तो कम से कम कि भगवान की याद तो आई इसी बार। तो आप परेशान नहीं होंगे, तमाम जो रोग कष्ट थे, कितने लोग रखे आपने डीएनए में, कई लोग रखे हैं? 7 हैं जी। 7 पढ़ पाएंगे? धुंधला दिखता है जी। देखो अब देखो, पढ़ने में आ रहा है कुछ? कम आता है जी। आंखें बंद करो। ओम शिव डाल दीजिए, जो रस शुद्धि के लिए, देखो एक और गंदगी हो जाता है, पढ़ लिखने में इंटरेस्ट कर बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार। थोड़ा आगे करो इसको। हाँ जी दिखता है जी। आवारा पढ़ने में ये सारे लोग, अरे ये सारे रोग और कष्ट तमाम सब नकारात्मक स्मृतियां हटाई गई हैं, इतने रोग और कष्ट थे तमाम, ठीक है जो आपने किया एक दी उसके कारण ये सब गंदगी गई एक साथ, है ना, और इसीलिए आपकी आंखों की रोशनी बढ़ गई थोड़ी और आप पढ़ पा रहे हैं, और आपकी इंसुलिन बढ़ रही थी ज़्यादा, इंसुलिन संतुलित की जाए इनकी, कम की बस, है ना। तो ये सब सारे कष्ट थे जो सब हटाए दरबार में, ठीक है, ठीक है। लेपन करिएगा सिर पर, जरूर ध्यान से, एक दिन सिर पर, एक दिन नाभि पर, पेट पर, ठीक है, ठीक है। खुश है। एक जी, हाँ मेरे को कोरोना में इंजेक्शन लगा था, उसके बाद मेरी सेहत बिल्कुल ख़त्म हो गई, इसीलिए देखो पढ़ा नहीं आपने ठीक से, फिर से पढ़ाइए, ये पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए आगे क्या लिखा है, ब्लैक फंगस लिखा है, लिखा है, हाँ इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको कोरोना हुआ था, इसलिए दरबार दिखा रहा है कि ब्लैक फंगस की स्मृतियाँ आपके अंदर हैं, लेकिन ये नष्ट हो चुकी, ये जो रिपोर्ट कार्ड था वो इसका है कि ये सब नष्ट हुआ है, ये गंदगी, तो ब्लैक फंगस की स्मृतियाँ भी नष्ट हुई हैं क्योंकि आपको कोरोना हुआ था, ठीक है, स्मृतियाँ रह जाती तो स्मृतियाँ नष्ट हो गई,
नहीं भविष्य इसीलिए आंखें खराब हो रही थी। देखिए ना स्मृति काम करती है अपना, तो वही स्मृति काम कर रही थी, आपकी आंखें अंदर से सड़ा रही थी। कोई बात नहीं, खुश लेपन करिए, आंख से कब दिखना लगा। कोई बात है, आप अपना लेपन करिएगा, बाबा माँ से प्रार्थना करिएगा, ठीक है, खुश रहिए।